हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे इस तैयारी बिगनर्स की चैनल पर। तो आज है 9 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे जो रहते हैं पर्डे की तरह रहते हैं, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूजेस, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, एक स्टेट रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर ज़रूर पूरे होते हैं। अगर आपने कोई सपना देखा है और पूरी शिद्दत से देखा है तो वो अवश्य पूरा होता है। ओके, क्योंकि अगर आपने सपना देखा, सपने तो सभी देखते हैं, कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हम लोग तो ज़्यादा देखते हैं क्योंकि हम लोग को अपने करियर की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, तो हम लोग सपने देखते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं, सपने देखना अच्छी बात है, पर आप उन्हें साकार अवश्य करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप सपने देख रहे हैं पर साकार नहीं कर रहे, ना कोई प्रयास कर रहे हैं, तो सपने देखना बेकार है, जीवन जीना ही व्यर्थ है। ओके, सपने भी देखिए और पूरी शिद्दत से देखिए और उन्हें पूरे करने की पूरा प्रयास कीजिए। ओके, तो आज की जो वन लाइनर न्यूजेस रहेंगी वो हम देख लेते हैं। पहली न्यूज़ जो रहेगी वो रहेगी भारत की नई सामरिक, जो वन लाइन न्यूज़ रहेगी वो है, रक्षा से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज़ है, भारत की नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल जो 200 किलोमीटर तक की सीमा पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। तो वह कौन सी है? तो वह है प्रकाश। उसका नाम क्या है कि प्रकाश। अब एक भारत की नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो 200 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है, उसका नाम है प्रकाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था से। जमा सीमा एवं ऋण प्रत्याभूमि निगम ने बीमित बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा की सीमा 1 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो कर दी है 5 लाख रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार जनवरी में विश्व खाद्य कीमतों के लिए कुल सूचकांक कितने % बढ़ गया है? तो 0.7% बढ़ गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट न्यूज रहेगी वो रहेगी पर्यावरण से संबंधित। वह अफ्रीकी देश कौन सा है जो हाथी की शिकार करने के लिए अपनी बड़ी नीलामी आयोजित करेगा? अब एक अफ्रीकी देश है जो हाथी का शिकार करने के लिए एक बड़ी नीलामी आयोजित करने जा रहा है, तो वो है बोत्सवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 15 से 16 फरवरी को कहाँ जेरूसलम मुंबई उत्सव आयोजित करेगा? ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 15 से 16 फरवरी तक जेरूसलम मुंबई उत्सव का एक आयोजन करेगा, तो वो मुंबई के अंदर ही करेगा। अब मुंबई से थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। मुंबई की जो कैपिटल है मुंबई जो कैपिटल है वो है महाराष्ट्र की। ठीक है, अब मुंबई की जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे जी, जो कि शिवसेना से आते हैं। ठीक है, इन्होंने एक करंट में एक न्यूज़ मतलब एक अनाउंसमेंट कर दी है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उनमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसका प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वह पर डे प्रेयर के समय बोली जाएगी। ओके, अब न्यूज़ जो रहेंगी वो राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, नेशनल लेवल पर न्यूज़ रहेगी। भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद 2020 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से अब आपको पता ही है, कल नई दिल्ली में हो गया इलेक्शन, तो संभावना यही आ रही है एग्जिट पोल की कि अब फिर से आपकी सरकार बनेगी, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो अभी तक तो कौन हैं जो सीएम है वहाँ पर? अरविंद केजरीवाल जी। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे अनिल बैजल जी। ओके, नई दिल्ली के अंदर एक आर्टिकल यूज़ करता है, वो होता है 239 कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने में मदद करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुभारंभ किए हैं 2 सूचकांक, जो कौन कौन से हैं? अब जो शहरी मंत्रालय है, आवास एवं शहरी मंत्रालय है, उन्होंने 2 सूचकांक जारी कर दिए हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं? तो वो एक तो सूचकांक का नाम है
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2019। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन कौन से सूचकांक जो हैं लॉन्च किए गए हैं, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 132.3 मीटर लंबा लक्ष्मण झूला भारत का पहला शीशे से बना सस्पेंशन ब्रिज होगा जो किस शहर में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऋषिकेश में उत्तराखंड के अंदर। ऋषिकेश कई लोग गए भी होंगे तो ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, मेरी फेवरेट जगह है ऋषिकेश। ओके, व्यक्ति विशेष से अब जो भी न्यूजेस रहेंगी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर रख दी जाएंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की विजेता कौन है, तो अब मध्य एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के जो है किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष जो दिया गया है 2017 के लिए और 2018 के लिए जो अवार्ड दिया गया है लता मंगेशकर सम्मान, तो वह किने किने दिया गया है, तो 2017 के लिए दिया है गायक सुमन कल्याणपुर को 2017 के लिए दिया गया है, और संगीतकार कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ओके, अब जो न्यूज़ रहेगी वो खेल से संबंधित रहेगी। वह भारोत्तोलक कौन है जिन्होंने कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों के 109 किलोग्राम गट में 3 नए स्नैच, 149 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क 181 किलोग्राम और कुल 330 किलोग्राम कीर्तिमान बनाए हैं, तो ये जो भारोत्तोलक हैं जो वेट लिफ्टर हैं इनका नाम है चंद्रकांत माली। क्वेश्चन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन बन सकता है चंद्रकांत माली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो हैं भारोत्तोलक से, मतलब कि वेट लिफ्टर हैं ये, और इन्होंने क्या जो कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है उन्होंने 330 किलोग्राम के कुल कीर्तिमान बना लिए हैं। ओके, अब जो न्यूज़ रहेगी राज्य विशेष से रहेगी, मतलब जो भी न्यूज़ रहेगी एक राज्य के ऊपर आधारित रहेगी। नागालैंड विधानसभा के नए सभापति कौन हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नागालैंड के जो नए सभापति हैं उनका नाम हो है शेरिंगेन लोंगकोमेर। ओके, तो अब नागालैंड की कैपिटल आप सभी जानते हैं कोहिमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ज्ञान विज्ञान से रहेगा, जो विज्ञान से संबंधित रहेगा। 10 मीटर से AK-47 राइफल की गोली को रोकने की क्षमता रखने वाला दुनिया का पहला हेलमेट किस देश ने बनाया है, तो ये हमारे देश भारत ने बनाया है। किस कॉलेज द्वारा इसे विकसित किया गया, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा पार्थ हेलमेट विकसित किया गया, तो ये बहुत ही हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने 10 मीटर से AK-47 राइफल जो होती है उसकी गोली की क्षमता को रोकने वाला एक हेलमेट बनाया। हेलमेट तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारे भारत द्वारा बनाया गया, तो ये तो नहीं पूछेंगे किसके द्वारा बनाया गया कि, तो आप बता ही देंगे भारत के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा एग्जाम में कि किस कॉलेज द्वारा बनाया गया, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग और हेलमेट का नाम है पार्थ। ओके, अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे जो भी सामान्य ज्ञान होता है उससे भी देख लेते हैं। अब बोत्सवाना की बात हमने की थी, तो बोत्सवाना की जो कैपिटल होती है वो होती है गैवेरोन, और गैवेरोन और वहाँ की जो करेंसी अगर पूछी जाएगी तो आप बता देंगे पुला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन मतलब कि FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो आप बता देंगे 16 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई, और फूड जो खाद्य दिवस होता है वह भी हम 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और जमा बीमा एवं ऋण प्रत्याभूति निगम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई में 1978 में, और नागालैंड की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 30 नवंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। राजधानी हम आपको बता ही चुके हैं कोहिमा होती है। ओके, तो डिटेल करंट न्यूज़ हम देख लेंगे क्या क्या रहेंगी, तो डिटेल करंट न्यूज़ में देखेंगे भूटान में भारतीय पर्यटकों के लिए मुक्त प्रवेश किया गया है, ठीक है। अब भूटान है, भूटान की कैपिटल आप सभी को पता होगी थिम्पू होती है, और वहाँ की करेंसी होती है नगुलट्रम। क्या होती है करेंसी? नगुलट्रम। तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि भूटान ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश जो है शुरू कर दिया है। ओके,
तो भूटान में भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश किया गया। तो भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटक के लिए निशुल्क प्रवेश के दशकों के बाद थिम्पू में सरकार ने जुलाई 2020 से शुरू होने वाले भारत, बांग्लादेश और मालदीव के क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए दैनिक रुपए 1200 मतलब $17 शुल्क लगाने का फैसला किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे? शुल्क को एक सतत विकास शुल्क कहा जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार को पर्यटक यातायात में बढ़ती संख्या से निपटने में मदद करना है। यह एक नई पर्यटन नीति के माध्यम से विनियमित करने की मांग कर रहा है। इसका निर्णय 4 फरवरी 2020 को नेशनल असेंबली द्वारा पर्यटन उगाही और भूटान के छूट बिल 2020 के रूप में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो है, जियो पारसी योजना शुरू होने के समय से पारसी जनसंख्या 233 बढ़ गई है। देशों में पारसी आबादी 2013 के बाद से 233 हो गई, जब सरकार ने जियो पारसी योजना शुरू की, जो समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने के उपायों को लागू करना था। प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे? इस योजना पर अब तक 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ओके, पारसियों की आबादी जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर 2011 में 57,264 हो गई थी। ठीक है, अब जियो पारसी योजना शुरू की गई है, जिसमें पारसी जनसंख्या है, जिसमें 233 संख्याएं जो हैं बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। तो ये हमने कल आपको ऑनलाइन में बताया भी था, 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजौले, उन्होंने पिंक सिटी जयपुर को विश्व विरासत शहर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, मतलब प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने अल्बर्ट हॉल में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यूनेस्को की टीम ने दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, मान सिंह महल और आमेर किले का दौरा किया। जयपुर के पारकोटा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध भी किया गया था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो कि जयपुर की जो यूनेस्को विश्व धरोहर प्रमाण पत्र अभी हाल ही में किस शहर को दिया गया है, तो वो दिया गया पिंक सिटी जयपुर को। किनके द्वारा दिया गया है? तो यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजौले, उनके द्वारा ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है। ठीक है, तो एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे प्रणाश नाम दिया गया है। डेफ एस्को 2020 में एक सैन्य प्रणाली प्रदर्शनी, जो रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विकसित की गई थी, भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण के लिए हब के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास करती है। ठीक है, भारत की नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 200 किलोमीटर की रेंज हासिल करने में सक्षम है। तो अब वो तो हमने अभी आपको बताई कौन सी है, एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो प्रकाश मिसाइल है वह कहाँ सतह से कोई होती है, वायु से वायु में मार करने वाली, एक सतह से वायु में मार करने वाली, तो ये है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका नाम प्रकाश रखा गया, ये प्रकाश लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आप सही कर लेना, प्रकाश नाम दिया जाए। DEF EXPO 2020 में, अब DEF EXPO 2020 कहाँ पर हुआ है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ है लखनऊ में। ओके, तो जो रक्षा उत्पादन विभाग में आयोजित की गई थी, भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण के लिए हब के रूप में प्रोजेक्ट तैयार करने का प्रयास करती है। रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, और इनका अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट जो प्रमुख बिंदु है इससे वो भी देख लो, नया हथियार तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रहार मिसाइल की उत्पत्ति का पता लगाता है। प्रहार की सीमा 150 किलोमीटर है, लेकिन सेना बेहतर रेंज वाला हथियार चाहती थी, यही कारण कि प्रणास को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, प्रणास का विन्यास स्तर और 2021 के अंत तक विकास के परीक्षण शुरू हो जाएंगे। 17 से 18 में बेरोजगारी दर जो है
वो सरकार के नए सर्वेक्षण के मुताबिक आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ है। जो 2017 से 18 में बेरोजगारी दर थी वो 6.1% थी, और उसके हिसाब से नए सर्वेक्षण के मुताबिक, अब नए सर्वेक्षण आए हैं, तो बेरोजगारी दर 17-18 में 6.1% थी। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? सरकार इस नए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को नए मापदंडों और बड़े नमूना आकार के साथ आयोजित कर रही है। आंकड़ों के अनुसार भारत में श्रम बल की भागीदारी 36.9% और बेरोजगारी जो है 6.1% है। यह सांख्यिकी मंत्रालय के माध्यम से किए गए नए सर्वेक्षण के साथ प्रामाणिक डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि हमारे यहाँ की जो बेरोजगारी दर है इंडिया की वो कितनी है, 6.1% है, और जो श्रम बल है वो है 36.9%। ओके, सरकारी बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रही और दुनिया में भारत की स्थिति 2019 में पिछले वर्षों में 196 के मुकाबले में अब 63वें स्थान पर पहुंच गई है। ओके, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार बहुत सचेत है और यह कार्यक्रम चला रही है जो रोजगार पैदा करता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार ने जो नए सर्वेक्षण जारी किए हैं उसके मुताबिक जो हमारे यहाँ की बेरोजगारी दर है 17-18 के अनुसार वो है 6.1%। ओके, और यहाँ पे श्रम बल की भागीदारी है वो है 36.9%। ओके, तो अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको पूरा वॉच करना, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएंगी। स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे तो न्यायिक प्रमुख से संबंधित देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हैं? तो वो हैं शरद अरविंद बोबडे। इनसे पहले कौन थे वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, वो थे 46वें नंबर के। तो अब ये हैं शरद अरविंद बोबडे कौन है, 47वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी अगर पूछे जाएंगे, अगर पाक के क्वेश्चन, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। महाधिवक्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल जो है उनके आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष हैं। अब निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त। अगर पूछ लिए गए तो आप क्या बताएंगे, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। उप चुनाव आयुक्त अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे चंद्रभूषण कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं 13वें नंबर के राजीव महर्षि जी, और महालेखा नियंत्रक जो हैं वो हैं सोमा राय बर्मन जी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आज एक स्टेट है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो पश्चिम बंगाल से जितनी भी न्यूज़ फॉर्म होंगी आज आपको सारी जानकारी पता चल जाएंगी कि कितनी पश्चिम बंगाल से स्टेट से जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका अब छूटने का नहीं है। ठीक है, तो स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की 26 जनवरी 1950 को, राजधानी थी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की, और राज्यपाल जो हैं नव नियुक्त हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। अब कल एक हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था, तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि ममता बनर्जी जी ने एक पुस्तक का अनावरण कर दिया है, तो उस पुस्तक जो पुस्तक है उसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल ही हमने पढ़ाया है तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। उस पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो पक्षी है राजकीय पक्षी वो है वर्न उल्लू, और राजकीय पशु है भारतीय हाथी। पश्चिम बंगाल में जिले वर्तमान में 23 हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा की सीटें जो हैं 295 हैं, लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं। ठीक है, भाषा यहाँ पर बंगाली और अंग्रेजी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं। ओके, अब पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं गंगा, भागीरथी और दामोदर और हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे आप सभी को पता है कोलकाता बसा हुआ है। दो जैसे कोशी को बिहार का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, भागीरथी, अब आपको भागीरथी से टिहरी डैम याद आना चाहिए। टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो है भागीरथी नदी पर।
सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि बाघ का संरक्षण करता है आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। जल्दापारा अभयारण्य जो है वो भी पश्चिम बंगाल में मिलेगा। प्रमुख त्यौहार यहाँ के आप सभी को पता होंगे दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है। प्रमुख लोक नाट्य जो होता है मतलब जो नृत्य होता है वहाँ का वो होता है जात्रा। हवाई अड्डे अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम पूर्व में था दमदमा, ठीक है, पूर्व नाम था दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। प्रमुख फसलें यहाँ की गेहूं मक्का जौ पटसन चना और मटर है। प्रमुख अगर पर्वत पूछे जाएंगे पश्चिम बंगाल के तो हिमालय और शिवालिक पर्वत जो है पश्चिम बंगाल में है। प्रमुख शोध संस्थान और अनुसंधान केंद्र अगर पश्चिम बंगाल में पूछे जाएंगे तो बताएंगे आप राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो है वो भी कोलकाता में है। वोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में आपको मिलेगा। बिरला प्लेटेरियम जो है वो भी आपको पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पर्यटन स्थल यहाँ से पूछे जाएंगे तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ आप सभी को पता ही होगा विवेकानंद से संबंधित है। हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, तो वो है कोलकाता के अंदर। बेलूर मठ भी आपको कोलकाता में मिलेगा। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपने देखा होगा फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य होते हैं, तो हमारे भारत के अंदर जो फलों में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वो हम पूछेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो आपको पूछा जाएगा, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे तो आप देख लीजिए। आम के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर शीर्ष नंबर पर जो राज्य रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और केला जो होता है उसके लिए महाराष्ट्र सर्वप्रथम रहता है। अंगूर के लिए भी महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है अंगूर उत्पादन में। और मध्य प्रदेश के लिए अमरूद जो होता है, अमरूद का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। काजू का उत्पादन केरल में होता है, आंवले का उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ पहले नंबर पर है, ठीक है। पपीता आंध्र प्रदेश में होता है, नारियल केरल में होता है, अनार महाराष्ट्र में होता है, संतरा महाराष्ट्र में होता है, सेब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, नाशपाती हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, और लीची जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये वही थे मेन फल थे जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, और उत्तर प्रदेश में आम का अगर उत्पादन पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे मलिहाबाद, लखनऊ के पास है ये मलिहाबाद। ओके, मलिहाबाद, ये यूपीपीसी अगर यूपीएआरओ का एग्ज़ाम किसी ने दिया होगा तो उसे पता होगा, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। अब बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो है आशापूर्णा देवी। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर ये मार्क्स देकर जाते हैं और एग्जाम में आते जरूर हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है, तो उच्च न्यायालय को। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से श्रावित होता है, तो अवट ग्रंथि। थायरॉयड ग्रंथि तो आप लोग सभी बता देंगे पर इसको कहते हैं अवट ग्रंथि भी। ओके, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो वो है अडयार में, ठीक है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम है तो किसको परिभाषित करता है, वो तो वो बल को परिभाषित करता है। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो वो अजमेर में स्थित है। प्रयाग प्रसिद्ध लेख जो है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था राजा हरिसेन ने, ठीक है। राज्य के सभी कार्यकारिणी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, एक राज्य होता है उसमें जितने भी कार्यकारी निर्णय होते हैं वे गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो।
ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हो उसकी अपलोड आप जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फेसबुक के हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब के साथ साथ हमारे एफवी और इंस्टा को फॉलो करें। आप हमारे टिकटॉक और हेलो अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप शेयर चैट और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो आप हमें खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। वहाँ पर भी हमने अपना अकाउंट बना रखा है और वहाँ पर भी हम ऑडियो क्लिप पर डे वहाँ अपलोड कर देते हैं, तो आप खबरी ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तैयारी बिगनर्स की के नाम से वहाँ पर भी आप हमारा वीडियो सॉरी ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमारा वीडियो वॉच कर सकते हैं, ओके। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप नोट कर मतलब कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका उत्तर कर दिया जाएगा। अननेसेसरी कुछ भी आप नहीं लिखेंगे, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, सपने देखिए, उन्हें साकार करने के लिए तत्पर रहिए और मन में जुनून रखिए। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और अपने सपने को साकार कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और डोंट फॉरगेट शेयर माई वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।